हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या कैरियर एकेडमी। आज हम लोग CHSL 21 मार्च का शिफ्ट वन का पेपर डिस्कस करेंगे। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए, ताकि कोई भी अपडेट हो तो आपको मिलता रहे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आज का। तो पहला क्वेश्चन था कि जॉग फॉल एट विच रिवर, तो शरावती रिवर पर है। और जॉग फॉल है कहाँ पर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कर्नाटका में, और ये इंडिया का हाइएस्ट फॉल है। और जॉग फॉल का दूसरा नाम क्या है, गिरोसप्पा फॉल। गिरोसप्पा फॉल, ये भी क्वेश्चन आ चुका है SSC में कि गिरोसप्पा फॉल कहाँ पर है, तो गिरोसप्पा फॉल को ही जॉग फॉल बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दर्पण स्कीम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये मनोज सिन्हा द्वारा लॉन्च किया गया है। और दर्पण का फुल फॉर्म देख लीजिए, डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ द रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर ए न्यू इंडिया, ये भी पूछा जा सकता है। और देखिए दर्पण किस लिए लॉन्च किया गया है, ये रूरल पॉपुलेशन जो है उसको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विनोद भावे स्टार्टेड बुदन मूवमेंट, तो बुदन मूवमेंट ये कौन कहाँ पर चालू किए थे, ये चालू किए थे तेलंगाना में। तेलंगाना में कहाँ पर, तो पुचमपल्ली एक जगह है जहाँ पर इन्होंने चालू किए थे। विनोद भावे के बारे में और जान जाइए कुछ, कि ये संस्कृत टीचर ऑफ इंडिया जो है इनको उपाधि दिया गया कि संस्कृत टीचर ऑफ इंडिया कौन है, तो विनोद भावे हैं। और ये जब सत्याग्रह हुआ था तो उसमें ये पहले पर्सन थे जो फॉलो किए गए थे, जो गांधी द्वारा मतलब सेलेक्ट किए गए थे, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच कंट्री प्रोवाइडेड नेट टू द नेपाल आफ्टर इंडिया, तो नेपाल को इंडिया के बाद चाइना है जो नेट प्रोवाइड किया है, 2017 का करेंट अफेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेक एट इक्वेटर लाइन को क्या बोलते हैं, विक्टोरिया लेक बोलते हैं। और इसका प्राइमरी आउटफ्लो कहाँ का है, तो वाइट नील है, जैसे नील रिवर है तो उसी तरह एक वाइट नील है, वही उसका प्राइमरी आउटफ्लो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फैजल वाज इन द कोर्ट ऑफ विच रिवर, तो फैजल किसके कोर्ट में था, तो अकबर के कोर्ट में था। और देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया है कि UVT दे दिया गया और फोर्स पूछा गया है, तो यहाँ पर देखिए मास भी दिया हुआ था उसमें। तो देखिए UVT से हम लोग V = U+AT से यहाँ से एक्सलरेशन निकाल लेंगे, V - U/T यहाँ से एक्सलरेशन निकल जाएगा, तो मास का वैल्यू और एक्सलरेशन का वैल्यू पुट करेंगे तो फोर्स निकल जाएगा। और इस पर क्वेश्चन हर शिफ्ट में दिया जा रहा है, तो इसलिए आप तीनों फार्मूला को याद कर लीजिए क्योंकि इससे क्वेश्चन आ रहा है। वन क्वेश्चन रिलेटेड टू जॉन डल्टन एटॉमिक रिसर्च से आया है, इसे क्वेश्चन क्या है ये नहीं पता, अगर आपको पता तो कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए। और एक क्वेश्चन आया है साइबर क्राइम पर, तो ये भी क्वेश्चन एग्जैक्ट पता नहीं चला है, मगर हमने उस पर डिटेल कुछ दिया है कि इंडिया में साइबर क्राइम एक्ट जो आया था वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत आया था। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि साइबर क्राइम एक्ट इंडिया में कब आया है, तो वो 2000 में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फाइनेंशियल इमरजेंसी कम अंडर हुज अथॉरिटी, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी देखिए ये प्रेसिडेंट के अथॉरिटी में होता है। इमरजेंसी तीन तरह का होता है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन क्वेश्चन रिलेटेड टू द रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन पूछा गया है एक, देखिए ये अभी इसके बाद जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे ये पहले का पीछे का क्वेश्चन है जो आया हुआ है, तो ये भी देख लीजिए। हु विन द फर्स्ट फिल्म फेयर अवार्ड, तो ये दिलीप कुमार जीते थे दाग मूवी के लिए। और ये कब जीते थे, 1954 में पहला फिल्म फेयर अवार्ड 21 मार्च 1954 को दिया गया है, ठीक है। और देखिए मीना कुमारी जो है ये पहली फिल्म फेयर अवार्ड जीती थी एक्ट्रेस में, और मूवी का नाम था 2 बीघा जमीन, जो बेस्ट मूवी का जीता था अवार्ड फिल्म फेयर अवार्ड में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच फॉर्म ऑफ डांस रुक्मणी देवी अवार्डेड रिलेटेड टू, तो ये है भारतनाट्यम से रिलेटेड है, और ये पहली औरत हैं जो राज्यसभा में नॉमिनेटेड हुई थी। तो नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट, ये भी क्वेश्चन आता है कि प्रेसिडेंट कितना लोग को नॉमिनेट करता है, तो हर साल 12 लोग को नॉमिनेट करता है, जब जब इलेक्शन मतलब कि इलेक्शन होता है उसके बाद राज्यसभा का जो भी होता है उसमें 12 लोग को वो नॉमिनेट करता है, जिसमें सचिन तेंदुलकर नॉमिनेट हुए हैं, रेखा जी नॉमिनेट हुई हैं, ये सारे लोग नॉमिनेटेड हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। उसी तरह पहली औरत को नॉमिनेट हुई थी, तो वो थी रुक्मणी देवी अरुंधले। और ये जो भारतनाट्यम डांस करती हैं उसका स्टाइल क्या है, सादीर स्टाइल में इनका डांस है। और देखिए इनको पद्म भूषण भी मिल चुका है 1956 में, और संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप 1967 में दिया गया है। और इंडिया को सेव करने के लिए 100 पीपल का एक लिस्ट आया था, उसमें रुक्मणी देवी का भी नाम था, वो इंडिया टुडे के द्वारा निकाला गया था,
तो उसमें रुक्मणी देवी का नाम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ इंडिया, तो ये कथकली होगा, चार ऑप्शन दिया होगा उसमें से, तो ये कथकली डांस था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्रॉप प्लैनेट, तो ये प्लूटो को बोला जाता है। ये क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये जो प्लूटो है ना, ये अपने ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाता है, तो ये दूसरे ग्रह का ऑर्बिट को काटता है, इसीलिए इसको बोला जाता है। और डिस्कवर कौन किया था, स्लाइड डब्ल्यू डॉट टॉम वैग्यू। तो ये भी पूछा जाता है कि प्लूटो का डिस्कवरी कौन किया था। एंगुलर मोमेंटम क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, मेंडल को बोलते हैं। और मैग्नेटाइट का ओर क्या है, तो मैग्नीजियम है, मैग्नीज है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।